ये पेंटिंग्स लगाते हैं हम। और ये पेंटिंग लग चुकी है, बिल्कुल बेड के साथ मैच कर रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है ना? कैसी लग रही है? शानदार। हाँ, इस वाले रूम में ये वाला बेड है। अब इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ यहाँ पेंटिंग लगाएं या यहाँ या इस वॉल में, आई थिंक इसी के ऊपर लगाते हैं। और ये कुछ पेंटिंग्स मेरे पास हैं पुरानी, इन्हीं को यहाँ पे सेट करेंगे। थोड़ा सा ब्राउन्स है ना इसमें, तो बेड के साथ ये जाएगा, यहाँ लगाते हैं इसे। तो ये पेंटिंग्स लग चुकी हैं, बेडशीट के साथ एकदम मैच कर रहा है और बेड के साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और ये घड़ी मैंने यहाँ पे लगा दी है। सोफ़ा भी एकदम सेट हो गया और फ्रिज आया है नया, तो नया फ्रिज भी आ गया। और थोड़े से सामान ना हमने पुराने घर से ला के यहाँ पे रख दिए, लाइक ये बार और सब कुछ। इस पेंटिंग को थोड़ा सा ठीक कराना है, बहुत पुरानी हो गई है। और वो छोटे छोटे से फर्नीचर्स बनवाए हैं, उनको थोड़ा ठीक कराना है। और इस वाले बेडरूम में भी बेडशीट लगा दी है, इट्स लुकिंग नाइस एंड क्लीन। फिर वहाँ थोड़ी सी पेंटिंग्स मैंने इस तरह से लगाई हैं। बहुत कम चीज़ें इस घर में लगानी है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। और ये काम करने लोग आते हैं ना, बॉल गंदी हो गई, कोई बात नहीं, उसे क्लीन करवाएंगे। सो या ऑलमोस्ट डन। यहाँ हम आए हैं कुछ लंच करने के लिए, लंच टाइम हो गया है तो KFC खाएंगे। ज्ञान का आज बड़ा मन कर रहा है KFC खाने का, तो वो रहा KFC। तो अभी हम आ गए हैं KFC और यहाँ पे लंच करेंगे और फिर दो तीन और काम है वो भी निपटाएंगे आज। और घर भी ऑलमोस्ट सेट हो गया है, बस ऑलमोस्ट डन, 99% डन। और जब फाइनल हो जाएगा तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। सो या आज का यही रहा। ज्ञान वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने गए हैं। सच अ ब्यूटीफुल मार्केट यार, इतने अच्छे अच्छे चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं ना डेकोरेशन की। देखो ये टेबल्स देखो, जस्ट फॉर 3000। और ये मिरर, दिस लुक्स सो प्रिटी। ड्राई फ्रूट्स मंगवाए हैं मैंने कुछ घर के लिए। इसको क्या बोलते हैं, अंजीर शायद बोलते हैं, अंजीर, खजूर या फिर ब्लिंकिट किया है आज मैंने कुछ चीज़ें, तो देखते हैं क्या क्या मंगवाया मैंने। बासमती राइस, फ्रेश क्रीम, केवड़ा जल, दिस इज अगेन राइस, बासमती राइस, आज घर में बन रहा है एक्चुअली बिरयानी मसाला, बड़ी इलायची, ये है दालचीनी। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक चिकन बिरयानी, बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ लावण्या की डिमांड पे। या लेट्स स्टार्ट। ये सारे चीज़ें मुझे अभी कट करनी है। लहसुन मैंने छील लिया है, प्याज काटने हैं पतले पतले लंबे लंबे, टमाटर लंबा लंबा काटना है, ग्रीन चिलीज भी और अदरक भी। लेट्स स्टार्ट। I always wonder.
time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about ya makes me wanna be with you for a long time. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि मुझे आप लोगों को बताना है. तो जैसे कि पिछले क्लिपिंग्स में आपने देखा कि मैंने घर को ऑलमोस्ट सेट कर दिया था. काफ़ी कुछ 90% हो चुका है. छोटी मोटी चीज़ें थी, इवन उसकी भी शॉपिंग के लिए मैं गई हूँ. आपने देखा मैं डेकोर आइटम कुछ प्यारे से क्यूट कैबिनेट्स ना इस टाइप का कुछ लेना चाहती थी जिसमें कि काफ़ी स्टोरेज वगैरह हो जाए, और एक सुंदर गोल मिरर लेना चाहती थी जो लिविंग एरिया है उसके पास के लिए. फिर अचानक क्या हुआ ना, उसी दिन हमें वहाँ पे बिल्डिंग के ही कोई मिले, उन्होंने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे क्यों नहीं दे देते. तो हमने पहले भी रेंट का ऑप्शन रखा था, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि मुझे उस घर में नहीं रहना है. हम लोग अभी जिस सिचुएशन में हैं उसके लिए हमें दिल्ली में रहना ज़रूरी है. लावण्या यहीं पे पढ़ती है, लक्ष्य यहीं पढ़ता है डीयू में, तो हमें दिल्ली में रहना है. नोएडा बहुत दूर हो जाएगा. तो क्या हुआ कि हमने सोचा था कि रेंट पे देंगे, बट रेंट कोई बहुत खास हमें मिल नहीं रहा था, जस्ट 10,000-12,000. तो हमें लगा इतने से के लिए अपने घर को दे देना, ब्रांड न्यू घर था. तो हमने सोचा इसको हम फर्निश करके अच्छे से सेट बेट करके ना यहाँ पे रहेंगे कुछ दिन, यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ रिलेटिव्स आया करेंगे, फ्रेंड्स आया करेंगे, तो वहाँ पे रहने के लिए एक अच्छी जगह है. बट उसको इतने दिल से मैंने पूरा फर्निश वर्निश कर दिया, सब कुछ सेट करके रख दिया, आपको मैंने दिखाया भी था, सारे फर्नीचर इतने न्यू थे, सब कुछ इतना अच्छा था. एंड गेस व्हाट, वो घर रेंट पे उठ चुका है. अब हमने उस दिन उनको एक ऐसे ही हाँ कहा कि ठीक है, लेट्स सी, चलो देख लेंगे. उन्होंने कहा कि फर्निश घर के ना यहाँ पे काफी अच्छा रेंट मिलता है, और तो हमने कहा ठीक है चलो देखेंगे, लेट्स सी. वैसे अब हमारा प्लान नहीं है, हमने कहा वो रेंट पे जाते जाते भी ना थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, एटलीस्ट एक महीना दो महीना, तो कुछ दिन तो हम वहाँ पे रहेंगे. हमने जो जो प्लानिंग की है वो हम करेंगे. मेरा, लावण्या, लक्ष्य का और ज्ञान का ना प्लान था कि इसी वीकेंड पे हम जाएंगे और वहाँ पे दो दिन रह के वहाँ पे ना खाना वाना बनाएंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. बगल में इतना अच्छा मॉल है, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, तो वो सब भी देखेंगे. इवन मैंने तो अपनी सिस्टर तक को कह दिया था कि इस बार जब तुम दिल्ली आओगे घूमने तो हम नोएडा वाले घर पे जाके रहेंगे कुछ दिनों के लिए. और रेंट काफी अच्छा था, जितना हमें पहले मिल रहा था उसका डबल है. तो फर्निश्ड घर का यहाँ पे अच्छा रेंट मिलता है. तो हमने कहा यार ये तो ठीक ठाक अमाउंट है, इसको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो हम अपने पास भी घर रखते हैं उसमें हम रह तो पाएंगे नहीं, और दूसरा कि उस घर का ना हमें सोसाइटी चार्जेस देने पड़ेंगे, मतलब बिना रहे भी हमें देना ही पड़ेगा, जो कि 2000 है शायद वहाँ का, या 2500. तो हमने कहा चलो ठीक है, एक अच्छा रेंट भी मिल रहा है, एक अच्छा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है जब तक हमें वहाँ नहीं रहना. वैसे भी हमें नहीं रहना है क्योंकि वो 2-bedroom सेट है, हमारे फैमिली के हिसाब से वो छोटा है. तो यही एक नया अपडेट है कि वो घर रेंट पे जा चुका है, और जो मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में जो क्लिपिंग्स लगाई हैं बस वही फाइनल टूर है. तो यही है नया अपडेट. आई डोंट नो इसके लिए मुझे खुश होना चाहिए या सैड तो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है ये, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट मैं हो गई हूँ. तो यस, यही है नया अपडेट. आज के लिए ये है कि आज मैं तैयार होके अपने घर के बगल में एक सैलून है वहाँ जा रही हूँ, मुझे कुछ 2-3 छोटे छोटे काम करवाने हैं. बहुत टाइम से इसको भी मैंने पेंडिंग रखा हुआ है, तो बस वो जाऊँगी और उसके बाद मैं घर वापस आऊँगी. तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर ली हूँ, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक के लिए यू ऑल स्टे हैप्पी. बाय बाय एंड टेक केयर.